सुबह की मत, सुबह का 3-4 बजे तो ये है भाई, सुबह 4 बजे हैं यहाँ पर 4 अभी, और मैं आज जोमटेन बस स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। तो लेकिन अभी थोड़ी देर में ओपन होने वाला है आधे घंटे में, तो उसके बाद सो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि नहीं, यहाँ पर इतनी बिल्लियाँ हैं कि हर घर में एक बिल्ली, और इतनी अलग अलग टाइप्स की, मतलब मैंने कभी देखी नहीं होगी ऐसी बिल्लियाँ। काटती नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी, बैठी रहेंगी, सोती रहेंगी बस। तो ये सीन है यहाँ पर बिल्लियों का, डॉगी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो मैं चल पड़ा हूँ बैंकॉक, और अभी जोमटेन बीच से, तो सफ़र लंबा है। तो मैं पहुंच गया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट, और ये देखा मैंने रोबोट यहाँ पर है, अपना चलेगी, कोई नहीं चलाएगा इसको, और सफाई करती रहेगी, पूरे एयरपोर्ट में घूमते रहते हैं 4-5 रोबोट है। तो फ्रेंड्स, पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं यहाँ बैठा था, मेरे साथ एक जैपनीज बैठा हुआ है, मेरे साथ में सामने जैपनीज और साइड में भी एक दो जैपनीज बैठे हैं। तो ना मैं देख रहा है यहाँ हमारे सामने ना सीटें थी, तो यहाँ पुलिस वाले ना किसी को बैठने नहीं दे रहे थे। तो मैं सोच रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने सोचा यहाँ पर ना 5 ब्रिगेड का कुछ वो है कोई क्लीन करने का, तो मैं ये होगा। थोड़ी देर बाद पता चला यहाँ पर एक बैग है जिसको पता नहीं है कि इस बैग में क्या है। तो यहाँ पर पूरे मतलब पुलिस आ गई एकदम से, और ये लिया है अपनी जर्मन शेफर्ड कि इसके अंदर क्या है, बॉम्ब है क्या नहीं है। मैंने कहा यार जब तुम वहाँ किसी को बैठने दे रहे, हमें तो उठा देते यहाँ से, कुछ अगर इसके अंदर बम बम होता तो हम तो निकल जाते यहाँ से। तो ये चेकिंग हो रही है यहाँ पर, तो पहले ये सामने जो क्लैपिंग कर रहा है ये पुलिस वाला था, फिर इन्होंने कॉल करी, इन्होंने चेक किया कि नहीं बन रही बात, तो इन्होंने 2-3 पुलिस वाले और बुलाए, एक ये जो जर्मन शेफर्ड ले गया है और एक जो चेक करते हैं मशीन से कि इसके अंदर कोई बॉम्ब वॉम तो नहीं है। तो इस एयरपोर्ट पर पता है क्या, मैंने एक और चीज़ देखी कि इस एयरपोर्ट पर मुस्लिम, जैसे इनका नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है, तो एक प्रॉपर एक रूम दिया हुआ है कि अगर टाइम हो रहा है तो आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ें। बुद्धिस्ट लोगों का अलग दिया हुआ है इसमें यहाँ पर, कि अगर किसी को प्रे करनी है तो बुद्धिज़्म वाले इधर इस रूम में बैठे और अपनी प्रे करें जो भी है। तो मुस्लिम और बुद्धिज़्म का दोनों का अलग अलग रूम दिया हुआ है यहाँ पर। सो मैं आ गया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट, अच्छा है यार ऊपर, लेकिन ना ये जो शेड है ना वो अच्छा नहीं है, दिल्ली का बहुत बढ़िया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से चेक इन कर लिया है। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे काउंटर पे लड़की थी तो वो मुझे कहती है कि अपना नंबर दीजिए और आप मुझे पॉइंट्स दीजिए, आप सर आप दिल्ली जब उतरेंगे ना तो आप मेल आएगा, और आप, मैं कहा मैं क्यों करूँ ऐसे, मुझे नहीं करना ऐसे, कहे प्लीज़ प्लीज़ आप करिए। तो मैंने कहा ऐसा है एक्चुअली, मैं सिंगल अकेला था इसलिए मुझसे पूछा, और फैमिलीज थी, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ऐसे नहीं होगा, आप मुझे कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना मेरे लिए। तो कहते क्या, मैंने कहा ऐसा करो आप मुझे विंडो सीट दीजिए, उन्होंने मुझे झट दे सी विंडो सीट दे दी। मैंने कहा थैंक यू, तो पहले मैंने उनको कन्फर्म कराया कि विंडो सीट मिली है या नहीं मिली है, मोबाइल पे देखा, फिर उसके बाद जाके मुझे विंडो सीट मिल गई है। तो मैं अब जा रहा हूँ, Thank you.
सो ये है भाई बैंकॉक का एयरपोर्ट। और भाई इस बात पर बड़ी खुशी हुई, नहीं मैं उस लड़की को फीडबैक दूंगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसने मेरा काम किया है, अब मुझे विंडो सीट दे दी है और वीडियो बनेगी और ना रिलैक्सिंग होता है थोड़ा विंडो सीट में ना, मुझे आते वक्त नहीं मिला था। ये है पूरा एयरपोर्ट। नो वाह भाई वाह। वहाँ पे ना एक चीज़ बढ़िया हुई है, मतलब एयरपोर्ट पे जब मैं दुबई गया था तो उसके अंदर ना जो जैसे हम चेक कराते हैं इमिग्रेशन कराते हैं तो चेक होता है, तो इंडिया में भी बंदा आता है पूरा चेक करता है हाथ से। यहाँ पे तो सिस्टम हो गया, आप हाथ खड़ा करो एक मशीन घूमेगी स्कैन कर देगी कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। कमाल है यार, ये थाईलैंड में दुबई में नहीं है ये चीज़ें, हैरान करने वाली चीज़ें हैं बहुत। अब यहाँ पे एयरपोर्ट अभी शुरू किया इन्होंने, पहले इनका क्या था जब हम आते थे तो इमिग्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना होता था, पर इन्होंने दुबई वाला सिस्टम कर दिया कि आपका आई स्कैन होगा बात खत्म और फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो ये ड्यूटी फ्री यहाँ की। अच्छा है यार, ऐसी बात नहीं है, ऊपर से बनाया है। हालांकि जब मैं आया था ना तो वो दूसरा गेट था, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर ऊपर से हम ड्यूटी फ्री से घूम के आ गए। बहुत बढ़िया बनाया हुआ, तो मैंने ले लिया सामान भी यहाँ से भी ले लिया ड्यूटी फ्री से, देखो अब गया हूँ तो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। अरे यार यहाँ लग नहीं रहा कि हम थाईलैंड में, सच कह रहा हूँ थाईलैंड लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि थाईलैंड में हम, बट नाइस। एक बीच और एक ये प्लेस, मतलब इंडी क्राउडेड है ज़्यादा बड़ा, मतलब जैसे ना दिल्ली का तो हाई टॉप का, लेकिन कम जगह है तो क्राउड बन गया और क्राउड बनने थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, एंट्री की थी यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सच में कह रहा हूँ। इन्होंने जो एंट्रेंस दी हुई है, एग्जिट की हुई है ना, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार, कह नहीं सकता। ये कहाँ गया मैं यार, इतनी गंदी जगह। नहीं यार, एयरपोर्ट बहुत चेंज कर दिया, जैसे मैं सुनता था मैंने देखा था ना वो, अभी ऑफलाइन ही बंद कर दिया यहाँ, पहले ऑफलाइन ही होता था 2 महीने पहले से, लोग ऑफलाइन ही होता था, तो अब लेकिन सब ऑनलाइन हो गया। मतलब ऑनलाइन जैसे पहले फॉर्म भरने पड़ते थे, बताया था मैंने आपको पहले भी, फ़ोटोज सी होती थी, 5 फोटो लानी पड़ती थी यहाँ पर, तो उसके बाद ऑफलाइन चलता था सब सिस्टम, लेकिन अब कुछ नहीं, ऐसा बहुत सही सिस्टम हो गया सही। मुझे जाना है E10। यहाँ इंडियंस क्या होते थे, यहाँ उतरते थे और उतरते ही ड्यूटी फ्री में जाते थे और लिकर्स ले लेते थे, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है, मतलब बाहर बहुत कॉस्टली है और यहाँ बहुत सस्ता है। सस्ता तो क्या मतलब, पर ठीक है, डिस्काउंटेड अच्छा होता है यहाँ पर और क्वालिटी होती है। तो लोग क्या करते थे, जो भी इंडियंस आते थे जाते थे और अपना लिकर उठाई और वहाँ मस्ती करते थे आइलैंड में जाके, चार पाँच दिन पूरा 10 चाहिए बोतल, 5 चाहिए 10, जो भी जितने भी चाहिए। फिर इनको होने लग गया लॉस कि यार ये क्या हुआ कि सब यहीं से लिकर ले जा रहे हैं, तो फिर इन्होंने बंद कर दिया कि जब जो भी यहाँ से जाएगा तो ड्यूटी फ्री कोई यूज़ नहीं करेगा, आते वक्त करोगे जाते वक्त नहीं, तो ये फिर इन्होंने रूल बना दिया वाला। रोबोट चल रहे हैं, यार कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना यार, वो खाना मतलब ना यार, ये इनका क्या सिस्टम है, ये
चिकन इनको ना मतलब नॉन वेज में आता ही नहीं है इनके चिकन विकन, मतलब थोड़ा ये बड़ा बहुत गंदा सीन लगा मुझे सीरियसली, वो मज़ा नहीं आया, इस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आया खाने पीने में। देखो बाहर जाते हैं शरीर तो चलाना ही यार, वो खा के ही चलाना है, चलाना होता है, तो फिर बात वो बनी नहीं। वैसे तो बड़ा मज़ा आया ही है, थोड़ा बस हेल्थ प्रॉब्लम हुई मुझे, थोड़ी दिक्कत हुई, और फिर अभी अपना E10 लास्ट है, वहाँ जा रहे हैं। जोगनों ने क्या किया, सब बढ़िया चल रहा था, सब मतलब बढ़िया, सीटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन दिल्ली का एयरपोर्ट, दुबई का एयरपोर्ट, दुबई का बिल्कुल थोड़ा सा हल्का है, लेकिन इंडिया का बहुत अच्छा है। जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी कहनी पड़ेगी इंडिया की, ये चीज़ सीटिंग अरेंजमेंट, आप देखो यहाँ बैठे हैं वो बात नहीं है, पर इंडिया की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत बड़ी है। इंडिया का फिर आता भी है वर्ल्ड क्लास, मतलब फर्स्ट पे आता है, पता नहीं सेकंड पे आता है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया जो एयरपोर्ट आता है। तो देखो भी सिंपल सा हो गया थोड़ा, पहले हम थे E10 पे, तो इन्होंने एकदम से बोला कि ना सभी जितने भी पैसेंजर्स हैं वो चलो G1 पे, सारे के सारे पैसेंजर्स इधर से उधर हो गए। अब आए हैं, अब देखते हैं, चलने पोस्ट हो गए, अब चलने वाले हैं। सो तो ये है थाईलैंड का जो बाहर का एयरपोर्ट व्यू है, तो फाइनली मुझे सीट मिल चुकी है, मतलब जो नीचे उसने कहा था बिल्कुल मुझे विंडो सीट दे दी है, तो अब لا هو شو اللي خالف اليوم؟
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इंडिया। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में, न्यू कंट्री। वेट एंड वॉच। बाय बाय।